हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, हम भी सब मस्त हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आप बांधे देंगे, हल्दी होगी और बच्चे ना कूट रहे हैं, हल्दी कूट रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, कन्या लोग बैठे हैं यहाँ पे और ये हल्दी फूट रहे हैं। और यहाँ पूजा चल रही है। नैनू, नैनू हाय। और यहाँ पे बुआ और दादी लोग मांगल गा रहे हैं। ये सारे बुआ लोग हैं हमारे, और मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है, ये चाची हैं। थैंक यू, चल बैठ जाओ। सॉरी चाची। अंदर पूजा चल रही है, तब तक हमने सोचा क्यों ना नाश्ता कर लेते हैं। सपने कर लिया, मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि नैना को भी थोड़ा फीवर हो गया था, उसको दवाई लेने गए थे, पहले डॉक्टर के पास लेके गए थे, अब तो ठीक है। उसके पापा वो तो चले गए हैं आगे, और अब मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो गाई जा, पापा चाचा लोग बैठे हुए हैं और ये चाचा भी अभी पहुँचे हैं। तो गाई, दुल्हन आ गई है नीचे, पहले ऊपर पूजा हुआ था, अब जा रहे हैं हल्दी लगवाने। अब हल्दी होगी, वीडियो बनाने वाला थी एकदम और जग वाला। और दादी और मम्मी सबसे पीछे आ रहे हैं। मैं नैनू का सैंडल दे दे। आधे रो। फटाफट से बड़ा बड़ा वर्ग कर रहे हैं।
हवा तुम डर जाओ हाँ बस इन्हीं देखो आपको अपने भाई लोग रोहित भी आ गया है, एक भैया है, बाकी सारे छोटे हैं मुझसे, ये सारे छोटे हैं। वो मेरे भैया है जो येलो टी शर्ट में है और ये धोती कुर्ता आ रहा है, इसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर कोई लड़की मेरे ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज कमेंट करके अपना नंबर दे देना। हाँ, और ये आर्मी में है भैया, मतलब मुझसे छोटे हैं, जैसे वो भी नाम है इनका, ये आर्मी में है। और ये लुंगी डांस वाला छोटू डांस कर, छोटू लुंगी डांस कर। और नैना फाइनली मिल गई है अपने मामू को, सुबह से रोहित बिजी था। आप देख सकते हो बारिश ज़्यादा ही आने लग गई है, पहले तो हल्के बूंदे हो रहे थे बट अब तेज आने लग गई। यहाँ पे कितने अच्छे मक्के हो रखे हैं, किसी ने बो रखे हैं, तो हम 2 महीने पहले आ रखे थे उस टाइम। ये मकान ये जो ये बड़ा सा दिख रहा है येलो कलर में, तो ये उस टाइम बनना स्टार्ट हो रहा था, खुदाई हो रही थी नीचे, और अब पूरा बन चुका है। कितना बड़ा बना है आप देख सकते हो। यहाँ के ना मुझे घर बहुत पसंद है, खुले खुले रहते हैं और काफ़ी बड़े भी हैं यहाँ देहरादून में। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हो, आगे उनके पार्किंग खेलने के लिए, और यहाँ पे छोटी मोटी जैसे सब्जी सब्जी उगाने के लिए अच्छा कर रखा है इन लोगों ने, और खुला भी है आप देख सकते हो इधर बच्चे बच्चों के लिए खेलने के लिए। और अब मैं दिखाती हूँ आसमान कैसे हो रखा है, पूरे काले बादल छा रखे हैं, बिजली भी चमक रही है और गरजने की आवाज़ भी आ रही है। वहाँ पर टंकी कैसे दिख रही है, जैसे कि ऊपर अलग सी।